हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अभी मैं ये वीडियो जल्दी से बना रहा हूँ क्योंकि एक अपडेट जो है मैंने अभी चेक की है, तो पहले मैं चेक नहीं कर सका था। तो अभी मैंने चेक किया है कि जी रेफरल से जो आप रेफरल आगे करेंगे, किसी को भी ज्वाइन करवाएंगे, तो आपका अकाउंट में अगर बैलेंस नहीं आता तो वो क्यों नहीं आ रहा। तो उसकी मैं आपको, अगर आपने ये वीडियो ना देखी और ये चीज़ ना अपनाई, तो आपका जो है रेफरल से आपको जो है 10 AMP हर रेफरल से नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने इसलिए जल्दी जल्दी उस वीडियो के साथ साथ ये भी वीडियो अपलोड साथ की है ताकि आपको भी बेनिफिट हो सके, आप उससे जो इजाफी जो रेफरल से हैं वो भी अर्निंग कर सकें। तो उसके लिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने ये ओपन करके रखी है अपनी वेबसाइट। यहाँ पर मैंने एक दूसरा अकाउंट बनाया था जिससे मैंने टेस्ट किया है अभी, और टेस्ट करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे साइन अप पे तो मिल गए थे, ठीक है, लेकिन जब मैं इधर से रेफरल लिंक से आगे ज्वाइन करवाऊंगा तो इधर मेरे पास उससे ज्वाइन होने से मुझे नहीं मिल रहे थे। उसका क्या वजह थी वो मैं आपको बताता हूँ कि अब उन्होंने, अब पहले तो था कि जैसे ही साइन अप करेगा वैसे ही आपके अकाउंट में 10 जो है AMP सेंड हो जाएंगे, $3, ठीक है। अब उन्होंने ऐसी अपडेट की है कि जैसे वो साइन अप हो जाता है, अकाउंट फेसबुक वेरीफाई कर लेता है, और उसके बाद जो है जितनी देर तक यहाँ पे स्पेंड नहीं करता उतनी देर तक आपको जो है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये चेक करें, वो इजाफी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, यहाँ पे जो हमें 10 मिले होते हैं इनमें से 0.01 जो है वो हमने यहाँ पे स्पेंड करना होता है नीचे किसी भी वीडियो पे, ठीक है। तो अभी वो कैसे करना है, और पहली वीडियो में मैं बता नहीं सका था मुकम्मल तौर पर कि आपने कैसे अपना अकाउंट मुकम्मल तौर पर अकाउंट बनाना है, ठीक है। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने एक अकाउंट बनाया फेसबुक का अलग, तो उस पर मैं अब आपको साइन अप करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अभी जो है इसको मैं करता हूँ बंद, इस अकाउंट को, और दूसरे अकाउंट में ओपन करता हूँ ये वाला, और ये मेरा मेन अकाउंट है, ठीक है। इसका मैं अब रेफरल बढ़ाऊँगा, ठीक है। ये देखें, मैंने पहले वाले जब टेस्ट किया और मुझे ये मिल चुके हैं, और ये मुझे नोटिफिकेशन भी मिली थी, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से अपना जो है रेफरल लिंक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी किया है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ एक इस वाली पे, ये थोड़ी सेफ़ होती है, कुकीज़ वगैरह से बचा रहता है। और यहाँ पे मैं इसे वाइल्ड स्पार्क जो है वो जो मैंने लिंक लिया है उसको मैं पेस्ट करता हूँ, यहाँ उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर एंटर करूँगा, और यहाँ पर अब चेक करते हैं आगे। अब जैसे ही यहाँ पे आप चेक कीजिएगा ओपन होती है, अब आगे अब हमने यहाँ पे साइन अप करना है, और यहाँ पे साइन अप पे सिंपल आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है तो आपने यहाँ पे जो है आपने फेसबुक पे क्लिक करना है, ठीक है। नीचे आप फिल ना भी करें तो कोई बात नहीं, आपने फेसबुक पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप फेसबुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये लॉगिन के लिए मांगेगा, तो हमने वो बतानी है। मैंने जो न्यू आईडी बनाई है मैं उससे लॉगिन करने वाला हूँ। तो आप जितने भी आपके दोस्त हैं या जिन की आईडीज़ आपके पास हैं आप उनसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अब अपनी बताता हूँ, यहाँ पे मैंने जो बनाया है यहाँ पे और अब सिंपल आपने लॉगिन करना है उसके बाद, ठीक है। अभी इसको लॉगिन करते हैं, और ये देखिएगा अकाउंट यहाँ पे अब कंटिन्यू करना है, ठीक है। इस तरह आपका अकाउंट सही तरीके से क्रिएट होगा। यहाँ पे करने के बाद ये जो है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे निकनेम देना है, तो निकनेम कोई भी दे दें, मैंने जो ऊपर लिखा है मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे ये कर दिया, और इसको फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो अकाउंट निकनेम सेट हो गया। और उसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे ये वेरीफाई वाली पट्टी मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ पे फेसबुक पे दोबारा क्लिक कर देना है। आपका ये वेरीफाई होने के बाद यहाँ पे जो है ये 10 जो AMP है वो सेंड हो चुके हैं, यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। तो ये लाजमी आपने करना है, इससे आपका अकाउंट वेरीफाई होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपके यहाँ पर तो बैलेंस आ गया, यानी कि आपका जो रेफर होगा उसके पास तो बैलेंस आ जाएगा, लेकिन आपके पास कैसे आएगा वापस? तो आप 10 AMP, अभी यहाँ पे मैं आपको चेक करवा देता हूँ, मेरे पास अभी नहीं रिसीव हुआ, मेरे पास अभी 10 जो हैं वो AMP रिसीव नहीं हुए।
उसका अकाउंट मुकम्मल तौर पर अभी वेरीफाई नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है कि आपने भी ये जाके करना है, फिर ही वेरीफाई होगा कंप्लीट तौर पर। आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है वापस अपने अकाउंट में, और यहाँ पे आके 0 पॉइंट किसी भी चीज़ को आपने ओपन करना है, किसी भी वीडियो को। अभी यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें अभी बैलेंस जो है वो 10 है। अभी यहाँ पे मैं किसी भी वीडियो को ओपन करता हूँ और इम्प्लीफाइल लाजमी करना है, चाहे वो सबसे लोएस्ट अमाउंट क्यों ना हो, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे लो अमाउंट यानी कि 0.01 जो है AMP, वो यहाँ पे मैं एम्प्लीफाई कर रहा हूँ। तो जैसे ही हम एम्प्लीफाई करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद ये जो एम्प्लीफाई हो जाएगा, जैसे ही एम्प्लीफाई होगा आपका रेफरल इस तरह एम्प्लीफाई करेगा 0.1 AMP, आपके पास डायरेक्ट वसूल हो जाएंगे जो है 10 AMP, ठीक है। तो ये तरीका है इसका मुकम्मल तौर पर वेरीफाई करने का, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा वेट है कि जी जितनी देर तक ये एम्प्लीफाई हो जाए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो अभी वेट जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, अभी 1 मिनट भी वेट नहीं हुआ, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि एम्प्लीफाई हो गया है। एम्प्लीफाई होने के बाद यहाँ पे जो नोटिफिकेशन है वो भी रिसीव हो चुकी है, और यहाँ पे वेलकम का, और यहाँ पे मैं दूसरे अकाउंट में चेक करवा दूँ कि वहाँ पे एम्प्लीफाई करने के बाद यहाँ पे मुझे जो है 10 रिसीव हुए हैं। अगर आपका रेफरल यानी आप अगर किसी दूसरे अकाउंट से इसी तरह मेरी तरह अगर कर रहे हैं, तो आपने वो जो है 0.1 वेरीफाई अपना अकाउंट करने के लिए लाजमी करने हैं। अगर वो करेंगे तो फिर ही आपको मिलेंगे, वरना नहीं। और ये जो ऑफ़र है वो लिमिटेड है, और सिर्फ इसी मार्च तक है, इसी तकरीबन 7-8 दिन तक है, इससे ज़्यादा नहीं है। इतनी देर तक आप जितना इकट्ठा कर सकते हैं इन AMPs के ज़रिए, $100 तक भी आप अर्न कर सकते हैं, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी आपने जस्ट करना क्या है, जो भी जिन लोगों ने अकाउंट्स बना लिए हैं पहली वीडियो को देखकर फास्ट, वो जल्दी से जल्दी अपना जो है अपना वेरीफाई करें अकाउंट को मुकम्मल तौर पर, एक सिंपली किसी भी वीडियो पर जाके इस तरह एम्प्लीफाई करने से। इससे एक और बेनिफिट होता है कि एम्प्लीफाई करने से बाद में जो एम्प्लीफाई करेगा आपके बाद, अगर वो ज़्यादा अमाउंट करता है, जैसे कि 9.8 AMP इसने किए हैं, तो इसका कुछ प्रॉफिट आपको भी मिलता है, ठीक है। तो ये इस तरह आगे बहुत सी चेन चलती है, उसके लिए काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी बताने में। तो इस तरह आपने एम्प्लीफाई लाजमी करना है, जिन लोगों ने पहले अकाउंट बनाए एम्प्लीफाई नहीं किया तो वो एम्प्लीफाई जल्दी से कर लें, और न्यू अकाउंट बनाकर अगर कोई किसी ने अभी तक नहीं किया तो वो न्यू अकाउंट बनाए, और न्यू अकाउंट बनाकर उसमें एम्प्लीफाई करे, एम्प्लीफाई करना लाजमी है। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको ये अपडेट देना चाहता था, तो आगे भी मैं आपके लिए एक वीडियो में बताऊंगा कि आप मेटामास्क कैसे बना सकते हैं, और इसका जो है इथेरियम का एड्रेस लेकर आप उसके ICOs में कैसे ज्वाइनिंग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं वो लेकर आ रहा हूँ, तो तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।